मार्च में जो लॉकडाउन लगा, मार्च से लॉकडाउन लगने के बाद सारे स्कूल कॉलेजेस लगातार बंद हैं। पर्टिकुलर स्कूल की मैं बात करना चाहूँगा, सारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं और उन स्कूलों में फिर ऑनलाइन शिक्षा के नाम से इन लोगों ने क्लासेस शुरू करी। क्लासेस शुरू होने के बाद फिर ये लगातार मोबाइलों में मैसेज कर रहे हैं और व्हाट्सएप कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं कि आपकी क्लास हम बंद कर देंगे, आप अपना स्कूल का फीस पे करें, बच्चों की फ़ीस पे करें, और इसको नहीं फीस पे करोगे तो हम ऑनलाइन की क्लासेस बंद करके कि धमकियाँ भी दे रहे हैं। कुछ कुछ स्कूल वाले तो जैसे कि कोई केजी वन का बच्चा है, अगर वो क्लास वन में जा रहा है तो उससे एडमिशन फ़ीस भी मांग रहे हैं। और मेरे को ये भिलाई के कुछ नेहरू नगर के कुछ स्कूल है जो छोटे बच्चों के, वो ट्रांसपोर्ट फीस भी उसमें इंक्लूड कर चुकी हैं। तो इस तरीके से भर्रासाही हो रही है। हाई कोर्ट का ऑर्डर ये था कि फीस देना है स्कूलों को, लेकिन सुविधा देने के बाद उनके, अगर आप किसी बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, अगर बच्चे को टीच कर रहे हो, तो उसके पास वो मोबाइल होना चाहिए, वो लैपटॉप होना चाहिए। अगर वो नहीं है उसके पास, तो आपको स्कूल को वो सुविधा देना है, तब जाके उनको फीस में लेना है। इन लोगों ने तोड़ मरोड़ के पूरा जबरिया फीस मांगने का प्रोसेस शुरू किया है। इसी की बात को लेके मैंने कल सीएम साहब के नाम का ज्ञापन उनके ओएसडी आशीष वर्मा जी और मनीष बंछोर जी को दिया है कि इस विषय में आप सरकार संज्ञान ले और तत्काल अपने तरफ से कार्रवाई करे। और एक बहुत दुखदायी बात यह है कि ये अप्रैल से लेके सितंबर माह लगभग 6 महीने का फीस एक साथ मांग रहे हैं। किसी का 35,000 आ रहा है, किसी का 45,000, किसी का 22,000, किसी का 25,000। ऐसी स्थिति में सबके कारोबार ठंडे पड़े हैं, दुकानें की टाइमिंगें भी शॉर्ट हो गई है, बसें नहीं चल रही हैं, ट्रेनें नहीं चल रही है, ट्रेन से खैर वास्ता नहीं है, बस के ट्रांसपोर्टर के भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो सब कर्ज में डूबे पड़े हैं। कई बेचारे तो डर के फीस पे कर रहे हैं। इस पर स्कूल प्रशासन से भी हम चाहते हैं कि आप विनम्रतापूर्वक, आप कोई पालक अगर आपको फीस देना चाहता है तो उसे ले, लेकिन वो कंडीशन मत डाल दें कि आपको देना ही है, नहीं तो हम उसको डराए ना, धमकाए ना, ऐसा काम ना करें। यही बात की हम लोगों ने सीएम के नाम में ज्ञापन सौंपा है। For more information, log on to www.clips.in.